नारद जी महाराज क्यों मुंह लटकाए हो? संतों का परम धन तो राधा नाम है मोरो, जय श्री राधे। भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले, भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाए। फिर बोले, हम इस लोक में, मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, सत्संग सब जगह नहीं मिलता, यही मिलता है। बोलो सीताराम, स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले, भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले, हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर प्रयाग काशी राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम श्रीरंगम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेशु भ्रममाण तस्ततः। सब तीर्थों में गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों भाई बोले, क्यों? बोले, कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, पापस्य खंडा सा पाखंडा, सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा, ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है, मतलब जो है नहीं होने का दिखावा करे वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। अरे पूछिए कैसे, असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं अगर वही बन जाएं तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा।